हिंसा में फेस एनालिसिस के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंसा से जुड़े 200 आरोपियों की तस्वीर जारी कर दी गई है। तस्वीरों के जरिए आरोपियों की पहचान में अब पुलिस की टीम जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, फेस एनालिसिस के जरिए पहचाने जाएंगे हुड़दंगी। हिंसा से जुड़े 200 आरोपियों की तस्वीरें जारी की गई है, जिसके बाद उनकी पहचान की जाएगी। दंगाइयों के ये वो चेहरे हैं जिनको बेनकाब किया जा रहा है। आने वाले दिनों में काफी सारी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। 200 आरोपियों की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। ये वो लोग हैं जिन्होंने उपद्रव फैलाया, जिन्होंने हिंसा की, तो ये 200 लोगों की तस्वीरें और लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला चलने वाला है। तो 200 तस्वीरें जारी की है, 200 आरोपियों की ये तस्वीर जारी की गई है। और देखिए, ये वो दंगाई है जिन्होंने 26 तारीख को हिंसा फैलाई थी, उपद्रव मचाया था और कई पुलिस वालों पर हमला किया गया था। लेकिन अब एक एक की तस्वीर जारी कर दी गई है और इन्हीं तस्वीरों के जरिए अब इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो सबसे पहले हिंदुस्तान पर देख रहे हैं ये तस्वीरें, ये 200 उपद्रवी जिन्होंने 26 जनवरी को उपद्रव फैलाया, जिन्होंने हिंसा की, और ये फेस एनालिसिस के जरिए ये तस्वीरें। सबसे पहले हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं उपद्रवियों की तस्वीरें जिन्होंने हिंसा की, जिन्होंने 26 जनवरी के दिन लोकतंत्र के उत्सव में उत्पात मचाया। तो ये सबसे पहले हिंदुस्तान पर देख रहे हैं आप 200 उपद्रवियों की ये तस्वीरें। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्पात मचाने वाले ये 200 दंगाई वो लोग हैं जिनके अब तस्वीरें जारी कर दी गई है। और आप देखिए, एक एक चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं जी हिंदुस्तान पर। सबसे पहले 200 आरोपियों की ये वो अहम तस्वीर है जिन्होंने 26 तारीख को हिंसा की थी, उत्पात मचाया था और उसके बाद लगातार ये पुलिस की रडार पर थे। लेकिन अब ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जी हिंदुस्तान पर। सबसे पहले उन 200 आरोपियों की तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि इस पूरी की पूरी हिंसा में शामिल थे और अब इन्हीं तस्वीरों के जरिए इनकी तलाश तेज हो चुकी है। बिल्कुल, और फेस एनालिसिस के जरिए इनकी पहचान की जाएगी, इन तक पहुंचा जाएगा, क्योंकि अगर कहीं पे भी आपकी किसी भी सिस्टम में तस्वीर होगी तो आपकी पहचान हो जाएगी। ये चेहरे आप देख रहे हैं, 200 चेहरे जी हिंदुस्तान पर सबसे पहले, और उसके बाद फेस एनालिसिस के जरिए इन तक पहुंचा जाएगा। आधार कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, अगर ये तस्वीर हुई तो ये इनके घर तक का रास्ता बताएगी। तो इस वक्त 200 चेहरे आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पर। सबसे पहले ये वो लोग हैं जिन्होंने गणतंत्र के उत्सव में विघ्न डाला, जिन्होंने उत्पात मचाया, उपद्रव मचाया और साथ ही साथ पुलिस के जवानों पर हमला किया, लाठियां चलाई, तलवारें भांजी और पुलिस के बैरिकेड पर ट्रैक्टर चढ़ा दिए। तो ये 200 चेहरे इस वक्त सबसे पहले आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान की स्क्रीन पर। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, पहली तस्वीर देखिए 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी उसमें किस तरीके से मनिंदर मोनी तलवार लहराता हुआ दिखाई दिया है, हालांकि उससे पूछताछ लगातार जारी है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर, 200 दंगाइयों की तस्वीरें जारी कर दी गई है और अब इन सभी की तलाश तेज कर दी गई है। अशोक की एक और बड़ी खबर, राकेश टिकैत के बयान पर भड़के असली किसान। टिकैत के बयान से किसानों ने किया किनारा, फसल को आग लगाने वाले बात से इनकार। टिकैत के भड़काऊ बयानों का किसानों पर असर नहीं पड़ा है। तो राकेश टिकैत ने ये बड़ा बयान दिया था, फसल को आग लगाने की बात कही गई थी, लेकिन अब देखिए राकेश टिकैत के इसी बयान पर अब असली किसान भड़कते हुए दिख रहे हैं। टिकैत के बयान से अब किसानों ने पूरी तरह से किनारा कर लिया है। और जोधपुर से हमारे सहयोगी अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि असली किसानों के साथ मौजूद हैं। अरुण हर्ष, आपके साथ किसान मौजूद हैं और यहां जो किसान है राकेश टिकैत वो कहते हैं फसलों को आग लगा देंगे, वहां आपके साथ जो किसान है वो क्या कह रहे हैं? रमन, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से राकेश टिकैत अपना आपको जो किसान नेता मानते हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि पश्चिमी राजस्थान के हम पाल गांव में हैं और वहां के तमाम ये किसान बैठे हैं जिन लोगों ने बूंद बूंद और पसीने की मेहनत से फसल को खड़ा किया था और उस फसल को जलाने की बात जो राकेश टिकैत कर रहे हैं उससे ये लोग सहमत नहीं है। सर, किस तरह से आप फसल जलाने का जो बयान दिया था किसान राकेश टिकैत ने उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? साहब, हम किसान लोग हैं, किसान लोग जो फसल को एक छोटे बच्चे की तरह पाल पोस के हम बड़ा करते हैं, हम फसल क्यों जलाएंगे? जो फसल के लिए जो कानून आया है वो किसानों के हित के लिए आया है, किसानों की भलाई के लिए आया है। आज किसान पहले मंडी में जाता था, धक्का खाने पड़ते थे, तीन तीन दिन पांच पांच दिन वहां रुकना पड़ता था, अब किसान की फसल किसान के खेत में बिकेगी तो इससे बढ़िया किसान के लिए क्या भला हो सकता है? कुछ और किसान है उनसे किस तरह से देखते हैं राकेश टिकैत ने कहा फसलें जला देंगे, क्या आप सहमत है? नहीं सर, जला सको अंदोरी कितनी मोटी की, मैं तो इन माते रात दिन में तो इन हीरे में भूखता हूँ, मैं की खराब करूँ? पौधे पन पवाओ बहुत डर है नहीं तो देना पड़े।
क्या सोचते हैं आप फसल जनाने की बात को? हाँ क्या नीता पनपाई इन्हें क्या जो चलाते हैं? तो रमन एक बात बता दूं, जिस तरह से किसान बात कहते हैं बूंद बूंद करके सिंचाई की, रात दिन 2400 घंटे आप लोगों ने खेत में रखवाली की, उसके बाद ये चलाने की जो बात कही जा रही है राकेश टिके द्वारा, क्या आप सहमत है उससे? सहमत है नहीं सर, चलाने वाले से कोई सहमति नहीं है। बूंद बूंद कर नीटा कराने चलाने कटे नीटा फसल तो फसल पहाड़ पहाड़ बेटा पहाड़ों के क्या कहते हैं आप? सही बात है, जलाना चाहिए फसल? नहीं नहीं जलाने कैसे तो भाई मेरा ने दिन ओ मापुर ही पड़े इन हीरे में हैं रात ही मराऊं जगह उबा सही है को नहीं तो उन हीरे में मोने कि तो ही लगे कि तो मैं पानी में डुकी उबा हूं लेकिन उन साग में किकर जला ले। मतलब कड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ पानी में खड़े रहते हैं, सर्दी में खेतों की रखवाली करते हैं, उसके बाद ये जो है फसल उगती है उसको जलाने की बात को लेकर किसान कोई सहमत नहीं है, किस तरह से आप मानते हैं फसल जला देनी चाहिए राकेश टिकैत जो कह रहे हैं? जो राकेश जी टिकैत ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल गलत है, किसानों के हित का नहीं है। जो कानून पास हुआ वो किसानों के हित का है। किसान पहले मंडी जाते थे, उनका जीरा हो रायडा हो गेहूं हो वो एक जगह अड़तिया ढिगला करवा देता, फिर उसके मन चाहे दाम नहीं मिलते थे, उनका मन चाहे होता था, 5 का भाव है तो वो 4 ही देते थे। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में जो कानून पारित किया है वो किसानों के हित के लिए है। किसान आपका खेत में माल बेच सकता है, मंडी नहीं जाना पड़ता, उनको मन चाहे दाम मिलता है। और किसान जो बात कर रहे हैं वो किसान ही नहीं है, किसान तो सारे खेत में है, किसान तो गरीब लोग हैं, वो जो पैंट सूट में खड़े हैं वो कहाँ किसान, कोई किसान नजर ही नहीं आता वहाँ, सब बिचौलिया है जो अर्थ वाला है। जो क्या सोचते हैं आप राकेश टिकैत के बयान को, किस तरह से देखते हैं? ये जो राकेश जी टिकैत ने बयान दिया है ये गलत है, सरासर गलत है। और इनके साथ जो किसान है वो बिल्कुल नहीं है, न किसान फसलें जलाएंगे, किसान फसल अपने पुत्र की तरह किसान उस फसल को उगाता है तो वो जलाएगा क्यों? और ये कानून देश हित में है तो हम उस किसान राकेश टिकैत के समर्थन नहीं है। और इन्होंने जो गतिविधियां की है 26 जनवरी की वो ये गलत है, ये देश विरोधी ताकतों षड्यंत्र है, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र है, ये कोई किसान नहीं है। तो बिल्कुल रमन, जिस तरह से ग्राउंड जीरो पे जो किसान है वो इस चीज को मानते हैं कि ये देश विरोधी ताकत है जो इस आंदोलन को चला रही है और उसका सहयोग राकेश टिकैत कर रहे हैं, राकेश टिकैत के कंधे पर रखकर बंदूक चले जा रही है। जो ग्राउंड जीरो पे जो किसान है जिन्होंने रात दिन मेहनत करके अपनी फसलों को उगाया था वो उनको जलाना नहीं चाहते हैं। राकेश टिकैत भले ही कह दे किसान फसल जलाएंगे लेकिन यहाँ के किसान इस बात से सहमत नहीं है। रमन बिल्कुल बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे और देखिए अब सवाल यही है कि आखिर राकेश टिकैत इस तरीके के बयान, भड़काऊ बयान किसके दम पर देते हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, राकेश टिकैत ने किसानों को फिर से भड़काया है, किसान अपने ट्रैक्टर्स में तेल भरवाकर तैयार रखे, ये राकेश टिकैत ने कहा। किसानों को कभी भी आ सकता है दिल्ली बुलावा, टिकैत ने कहा। ट्रैक्टर और ट्रॉली संघ किसानों को आना पड़ सकता है, अड़ियल सरकार को मनाने के लिए उठाना होगा बड़ा कदम। तो राकेश टिकैत लगातार इस तरह के बयान पहले भी देते रहे, राकेश टिकैत 26 जनवरी से पहले भी इस तरह के बयान देते थे जिसके बाद ये उपद्रव हुआ और एक बार फिर उसी तरह के बयान। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार का बड़ा हमला बोला है, राकेश टिकैत ने सरकार को दी अब हल क्रांति की चेतावनी और हल लेकर बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचेंगे किसान। तो एक और बड़ी खबर, किसान यूनियनों को एकजुट कर आंदोलन और बड़ा करने का ऐलान, केंद्र पर लगाया किसानों में फूट डालने का आरोप और साथ ही साथ कहा हल क्रांति होगी इस बार, हल लेकर किसान पहुंचेंगे दिल्ली। तो लगातार इस तरह के बयान देते रहे राकेश टिकैत और फिर अगर उपद्रव हो जाए तो हाथ भी झाड़ लेते हैं राकेश टिकैत। और फिर से एक बार रुक करते हैं अरुण हर्ष का जो जोधपुर में असली किसानों के साथ मौजूद है। अरुण, जिस तरह से आप बात कर रहे थे तो साफ लग रहा था कि वो किसान जो धूप घाम बारिश रहकर अपनी फसल उगाता है वो आग लगाने की बात तो बिल्कुल नहीं कर सकता और जो आग लगाने की बात करता है वो किसान नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल रमन, जिस तरह से जो किसान है उन्होंने रात दिन मेहनत की है और मैं किसान नेताओं से खुद से बात करूंगा, जो किसान नेता नहीं है ये अपनी धरती के नेता जरूर है क्योंकि रात दिन ये खेत में मेहनत करते हैं। किस तरह से देखते हैं राकेश टिकैत जो आपको बार बार उकसा रहा है कि आप दिल्ली आइए, आप दिल्ली जाओगे क्या? खेती है बाड़ी है धान्य बिक्री चढ़ाओ दिल्ली कहने पहुंचो, जाता ही नहीं है कोई, दे क्या कर दी किसान वो क्या तो वो मैलू भरी डॉन किसान गया कोई दिल्ली कोई नहीं जाता सर, वो बाड़ा चाहिए जाए कि उठे बांध चाहिए जाए बेड़ा ही यानी चाहिए जाए लारी इन खेती करां उठे चाहिए जाए
बिल्कुल किस तरह से देखते हैं आप इस आंदोलन को? राकेश टिकैत जो बयान दे रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? किसान अपनी फसल जला देंगे? नहीं जलाएंगे। राकेश टिकैत गलत कह रहा है, नहीं जलाएंगे। किसान तो खेत में बिजी है, कहाँ जाएगा, कहाँ करेगा। राकेश टिकैत गलत कह रहा है और मोदी जी ने जो पारित किया है वो सही है कानून। मोदी जी ने जो कानून पारित किए वो सही है। और किस तरह से देखते हैं ये जो भड़काऊ बयान बार बार दिए जाते हैं कि आप अपने ट्रैक्टर में डीजल भरा लिए, ट्रॉली लेकर आइए, क्या आप इसको सही मानते हैं किसान? बिल्कुल सरासर गलत है सर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। देश की किसान है जो रीढ़ की हड्डी है, और किसानों के कंधे पे बंदूक रख के ये लोग जो दलाल लोग है, एजेंट लोग है, ये जो कर रहे हैं तो ये किसानों के भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं, ये अपने भलाई के लिए कर रहे हैं। एजेंट लोग है, जो बिचौलिया है, जो दलाल है, जो पेड लोग है, जो पैसे लेके बैठे हैं। किसान लोग कोई नहीं, किसान खेतों में बैठे हैं। किसान अपनी फसल के लिए रात दिन एक करता है, बेटे की तरह पाल पोछ के बड़ी करता है फसल को, और वो क्यों जलाएंगे? ये लोग सारे एजेंट लोग है, ये एजेंट लोग अपना भलाई सोचते हैं, किसानों का भला कभी नहीं सोचते। किसानों का भला सोचते तो कहते भाई लाइट के बिल है जो बढ़ाए हुए हैं वो कम करिए, किसानों के भलाई की बात करिए, किसानों की जो फसल है खेत में बिकेगी तो किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। ये मोदी जी की सोच है और उन्हीं के आधार पे किसान लोग सब खुश है। जो ये तीनों ही अध्यादेश लाए हैं लोकसभा के अंदर, ये बहुत ही किसानों की भलाई के लिए है और किसानों का भला इसी में है। और मैं तो किसानों से, सारे लोग, मैं खुद किसान से हूँ, पूर्व प्रधान हूँ, तुलसीराम मेघवाल नाम है, सारे लोग किसान लोग हैं। किसान लोग ही ये काम करते हैं कि भाई जो फसलों के लिए जो ये कानून लाए हैं वो किसानों के हित के लिए है और किसानों की भलाई है। किसानों की आय जब ही दुगुनी होगी, जब ग्राहक लोग खेत में आएंगे, मूंग है, माठ है, बाजरी है, ये महंगे भाव में बिकेगी, तब किसानों का भला होगा। अब 10 रुपये की चीज है जो बाजार में जाके 8 रुपये में बिकेगी, जो 10 रुपये की चीज है खेत में आके जो 25 रुपये में बिकेगी, तो किसानों का भला इसी में होगा। ये लोग सारे लोग बिचौलिए लोग हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं, किसानों का स्वार्थ नहीं देखते, अपना स्वार्थ देखते। आप क्या मानते हैं इस चीज को? किसान न तो दिल्ली जाएगा, और ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं देश में, तो ये तो प्रोपेगंडा इन्होंने कर रखा, हुआ फैला रखा है। दिल्ली चलो, वहाँ चलो, आज रेल रोको। रेल क्यों रोक रहे हैं भाई? रेल में कोई परेशान है, कोई बीमार है, कोई यात्री है, देश के पे क्यों रोक रहे हो? तो ये तो षड्यंत्र है, और सारा ये प्रोपेगंडा है जो अंतर्राष्ट्रीय प्लस देश में छुपे जो ऐसे गद्दार लोग है, ये सारी उनकी की हुई है। ये भारत सरकार को अस्थिर करना और देश को विदेशों में, विदेशी नजरों में देश को, मतलब नजर देश की साख गिराना है। न तो किसान दिल्ली जाएगा, न किसान तो अपने खेतों में बिजी, वो तो खेत में जाएगा। आज जो खेत में जो पैदावार हो रही है, तो सारे किसान लोग यहाँ खेती कर रहे हैं। जब पैदावार आ रही है, सब्जी में मंडी आ रही है, दूध आ रहा है, तो सारे लोग यही है। वो जो दलाल है, बिचौली, वो सारे लोग वहाँ बैठे हैं, और ये षड्यंत्रकारी है। देश राष्ट्र भारत सरकार को इनके खिलाफ सख्ती करनी चाहिए। बिल्कुल रमन, मैं बताना चाहूंगा, भारत सरकार को इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो किसान नेता है, क्या सोचते हैं आप? राकेश टिकैत कभी कहता है फसलों को जला देंगे, कभी कहते हैं हल लेके दिल्ली जाएंगे, बार बार जिस तरह से बयान दे रहे, क्या मानते आप? जो टिकैत साहब बयान दे रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, और देश को गिराना चाहते हैं वो। जो हमारे देश में लाल किले पे जो ऐसी घटना हुई, वो भी हम दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। जो हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ, किसान, सारे किसान खेतों में खड़े हैं, कोई भी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान से, तो ये किसान है, देखो किसानों की हालत तो ऐसी है, वहाँ कोई आपको ऐसे किसान दिखते हैं कोई दिल्ली में कभी? ये किसान है, सारे बिचौलिए हैं, दलाल हैं, अड़तया है, वो है साहब। और भी कोई लोगों की पॉलिटिक्स होगी, और जो देश में जो कानून पारित हुआ वो सही हुआ है, बिल्कुल सही हुआ। 13 एकड़ से जमीन से कम तो कोई सरकार भी, जिस किसान, छोटा किसान होगा उसके पास 13 एकड़ जमीन है, उसमें तो वो भी पारित कर लिया भाई। किसान का कोई 13 एकड़ से तो कोई लेंगे नहीं, आपात भी नहीं करेंगे। अगर कैसा भी मामला होगा, सरकार को जमीन चाहेंगे तो भी नहीं करेंगे, तो किसानों के हित में है साहब ये मामला। तो हमारे जो राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में हम सोचते हैं भाई बिजली के दाम बढ़े, वो राजस्थान सरकार चाहे तो कम करे, तो किसानों का भला हो सकता है, इसी में ही भलाई है साहब। तो बिल्कुल रमन, जिस तरह से आप देखिए, आम किसान है जो खेतों में काम करते, मैं कैमरामैन शिव को कहूंगा वो उनके पैर दिखाने का कोशिश करिए। ये किसानों के पैर है जो खेत में काम करते करते, आप देखिए इनकी चमड़ी गल चुकी है, और जो ये लोग रात दिन खेतों में खड़े रहकर अपनी चौकीदारी करते हैं, और जिसके बाद में
आज जो ये बयान दिया है कि फसलों को जला देंगे, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के जो किसान है ग्राउंड जीरो पे, वो यही चाहते हैं हम अपनी फसलों को बेटों की तरह पाला है, उनको जलाएंगे नहीं। तो कह सकते हैं राकेश टिकैत भले ही ये बयान दे दे, लेकिन अमूमन जो किसान है, आम किसान जो है, वो उसके बयान से सहमत नहीं है। वो अपनी फसलों की रक्षा करना जानते हैं और उन्हें मालूम है कि प्रधानमंत्री ने जो भी निर्णय लिया है देश हित में लिया है। राष्ट्र विरोधी ताकतें जो है वो देश को तोड़ने के लिए ये षड्यंत्र कर रही है और इस तरह का आंदोलन चला रही है। नमन जी, बिल्कुल अरुण, आपने जो किसानों के हाथ दिखाए, जो किसानों के पांव दिखाए, जो मेहनत को दिखाते हैं और उनके चेहरे की मुस्कान दिखाई, जो अन्नदाता के चेहरे की मुस्कान है, न कि उपद्रवियों के चेहरे की। और इसी के साथ कुछ देर के लिए रुकना होगा, फौरन हाजिर होते हैं, बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ।